Hello students, today we will learn chapter 18, Good Manners. Use kind words. हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए. Be quick to forgive. जल्दी से माफ कर दीजिए. Listen, सुनिए. Share, बांटिए. Be a friend, दोस्त बनिए. Say please when you are asking for something. जब आप किसी से कुछ मांगते हैं तो आप please का use करेंगे. Say thank you when you are given something. जब आप कुछ पाते हैं तो आप thank you बोलेंगे. Say excuse me when passing by someone. जब आप किसी के पास से गुजरते हैं तो आप कहेंगे excuse me. Say, I am sorry if you have hurt someone. जब आप किसी को दुखी करते हैं, hurt करते हैं, तो आप बोलेंगे, I am sorry. Practice good table manners. टेबल पे खाने के जो शिष्टाचार है, manners है, उनकी practice कीजिए. Okay, student, तो good manners में mainly हमें क्या करना है? Please, thank you, excuse me and I am sorry, इन सब वर्ड्स का यूज़ करना है. Now we will solve skill sheet 18. Fill in the blank. First, I say dash when I get something. यहाँ होगा स्टूडेंट थैंक यू. ओके, जब हम कुछ पाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू. सेकेंड है, आई से प्लीज, PLEASE, व्हेन आई वांट समथिंग. जब हम कुछ चाहते हैं तो हम बोलेंगे प्लीज. थर्ड है, आई से सॉरी व्हेन आई हर्ट समवन. जब हम किसी को दुखी करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? सॉरी. फोर्थ है, ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू आवर एल्डर्स. अपने से बड़ों को हमेशा हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए. ओके, फिफ्थ है, बी पोलाइट. पोलाइट का मतलब होता है स्टूडेंट्स विनम्र, हमेशा हमें विनम्र होना चाहिए. राइम स्टैंड, वी से थैंक यू, वी से प्लीज एंड एक्सक्यूज मी व्हेन वी स्नीज. हमें थैंक यू बोलना चाहिए, हमें प्लीज़ बोलना चाहिए और एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए व्हेन वी स्नीज, जब हम छींकते हैं. दैट्स द वे वी डू व्हाट्स राइट, वी हैव मैनर्स, वी आर पोलाइट. यही सही तरीका है स्टूडेंट कि हम क्या सही कर रहे हैं, हम कितने मैनर वाले हैं और हम कितने विनम्र हैं. ओके, थैंक यू.